अगर आपने बच्चे के साथ सुनहरी साड़ी में गुमशुदा आरती को कहीं देखा है तो फौरन यश की मदद करें। जो बड़ी शिद्दत से गलियों में चौबारों में कभी विराज से तो कभी हर आने जाने वाले से तस्वीर दिखाकर पूछ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आरती का पता। पार्टी से सीधा मैंने और अंश ने एग्जिट ले लिया पार्टी से और हम लोग यहाँ आ गए हैं ताकि हम लोग दिल्ली के लिए बस पकड़ सके और यश जी के घर को छोड़ के मतलब भोपाल को छोड़ के मैं दिल्ली जा रही हूँ। जी टीवी के सीरियल पुनर्विवाह में आप आरती की खुशखबरी पर मचे हंगामे को देख चुके हैं। ये उस ट्विस्ट का साइड इफेक्ट है। आरती को एंग्री यंग मैन यश का ऐसा डर सताया कि अपने बेटे अंश को लिए दिल्ली के लिए निकल पड़ी है। मैं तो बहुत ही डरावना बन चुका हूँ तो आरती देख के डर के भाग जाती है तो उसको मनाने के लिए मैं उनके पीछे भागता हूँ। जी ये डर लग रहा है कि कहीं वो पकड़ के मुझे पीटे नहीं है ना ओए गॉड तो इसीलिए मैं भाग रही हूँ। पीटेंगे तो मैं यश को पीटूंगा। आली आली तुझकी बारी है। कर दी ना तूने शेर वाली बात सिंघम। अगर आपका लाडला अंश सिंघम है तो यश बाबू ठहरे टीवी के सुपर हीरो। जमीन आसमान एक कर आपको ढूंढ ही निकालेंगे। वैसे आप नाहक ही परेशान हुए जा रही। अब उनकी आंखों में आपके लिए गुस्सा नहीं प्यार झलक रहा है। मुझे लग रहा था कि यश जी बहुत वायलेंटली बिहेव करेंगे रिएक्ट करेंगे इस बात को सुनके पर शायद उन्होंने ऐसा किया नहीं उल्टा मुझे ढूंढने आ गए। आरती को प्यार हो जाता है यश को और यश को अभी तक हुआ नहीं था लेकिन ये एक मोड ऐसा पड़ाव आया है जहाँ पे यश और आरती को मुझे लगता है कि दोनों के दूसरे से प्यार हो ये धीरे धीरे केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी। लव फैक्टर ने तो असर दिखाना शुरू कर दिया है। यश और आरती फिर मिले आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और आरती तैयार हो गई अपने पिया के घर जाने के लिए और इस तरह खत्म हो गई यश की तलाश। आज तक ब्यूरो